Because this session will drastically improve your studies and the way you think about the studies. Because this session कोई motivation के लिए नहीं है, ना ये session आपको है कि आप ज़्यादा पढ़िए तो आपको ज़्यादा marks आएंगे। ये session उसके लिए नहीं है। So basically ये session क्यों है? Because for an example अगर हमने यहाँ पे lights बंद कर दिया, so will you be able to walk clearly or to see things clearly? हाँ ना? नहीं, ऐसा है इस केस में आर थॉट्स आ जाए, बहुत विचार आता है आपको, शायद से एग्जाम के बारे में हो सकेंगे या द मूवीज दैट वी सी और द म्यूजिक दैट वी लिसन और अभी नेक्स्ट स्कूल में क्या होगा या नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ जैसे कि 11th है 12th है हायर स्टडीज के लिए बहुत ऐसे विचार आ रहे हैं घर के जुड़े हुए विचार भी आते हैं घर सो इतने सारे विचारों से घिरे हुए हैं बोलते हैं और इससे हमें क्लैरिटी नहीं आ रही जो हम क्लैरिटी बोल रहे हैं अपने कभी गूगल तो किया ही होगा क्लैरिटी कैसे ला रहे हैं मगर अभी तक बहुत कम जनों को आंसर मिलते हैं कि जैसे कि मैं पहले डीजे था I was performing in front of 800 plus people. My interview was lined up. But even though while I was doing the DJ, electronic dance music, I was never comfortable with my own self. मतलब कैसे कि मैं खुद के साथ happy नहीं था. So what happened is during that time, I somehow got connected with the teacher who is teaching me the sound therapy जो आज हम करने वाले हैं सो जैसे ही ये साउंड थेरेपी या हम मेडिटेशन बोल सकते हैं इसको जैसे ये मेरे लाइफ में आया मेरे लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आई एंड इवन इन माय 10th मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड था नॉट प्रिपेयर्ड था बट व्हाट रियली हेल्प मी टू प्रिपेयर वाज द म्यूजिक दैट आई वाज डूइंग अर्लियर आई यूज्ड टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक और जो प्रैक्टिस जो I was doing the sadhana was doing it was helping me to bring in clarity जैसे कि आपके physics में chapter हुआ होगा vibrations का sound physics correct so वहाँ पे concept है resonation का correct so similarly is the case now consider जो resonate हो रहा है sound वो आपके emotions है आपके thoughts है आपके physical patterns है for an example अगर आपके अंदर फियर के है वाइब्रेशन तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे क्या आप क्लैरिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे या सक्सेस को या फिर क्या अट्रैक्ट करोगे आप फियर है आपके अंदर तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे फियर करेक्ट अगर आपके अंदर है डाउट तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे डाउट ही अट्रैक्ट करोगे मगर आपके अंदर क्लैरिटी आ गई तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे Similarly is the case. Exam के just एक घंटे पहले क्या हो जाता है हमें बता रहे आपके साथ हुआ ऐसे सब भूल जाते हैं आप ये एक्चुअली किस कारण से होता है फियर डाउट स्ट्रेस टेंशन और बहुत सारे विचार यस और नो तो आज ये जो साउंड थेरेपी है मेडिटेशन है ये क्यों हम करते हैं या क्यों हमारे भारतीय परंपरा में इतने सालों से है करेक्ट इसका कुछ तो साइंस होगा फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्स में सक्सेस लाना है तो मेमोरी का भी यूज होता है करेक्ट वी रिलाय मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस ये सब डूबी वाले इंटेलेक्चुअल है होने वाला है देन In the next 10 minutes, we will start with the meditation as well. So, memory आप use करते हो या नहीं? मैं आपको एक secret बताने वाला हूँ। ये इतने thoughts हमें क्यों आते हैं? Thoughts हम कैसे इसको शांत कर पाए? Are you interested in this? Yes. तो ये आपको 10th के लिए बहुत मदद कर पाएगा। 10th studies के लिए, 11th, 12th studies के लिए, and 12th studies के लिए। Because आपके अंदर clarity आ रही है।
तो हमारे ब्रेन में थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज द नियोकॉर्टेक्स, सेकंड इज द लिम्बिक सिस्टम एंड थर्ड इज द ब्रेन स्टेम. तो जितना ज्यादा मेमोरी पे, जितना ज्यादा आप मार्क्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, तो उतना ज्यादा आपका नियोकॉर्टेक्स ब्रेन होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है. और कभी नियोकॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिव होता है तभी क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन और नेगेटिव इमोशंस आप कनेक्ट कर पा रहे हो. अगर आपको बहुत सारा ज्यादा स्ट्रेस है तो आपकी इमोशंस कैसे आते हैं, इम्बैलेंस आते हैं. आपके मूड्स कैसे बनते हैं, फिर अगर आप स्ट्रेसफुल हो, आप टेंशन में हो, तो कैसे मूड्स आते हैं आपके, आते गुड मूड्स और बैड मूड्स नेगेटिव. सो सिमिलरली जैसे आप, मगर आप अगर एक स्पेसिफिक साउंड, स्पेसिफिक एक्टिविटीज करते हो ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन स्टेम को स्टिम्युलेट करने के लिए, तो आपके जो इमोशंस है, आपके मूड्स है, वो ऑटोमेटिकली शांत होते हैं. आपके थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आते हैं. एंड व्हेन यू आर इन सम काइंड ऑफ फ्लो, तो फिर आपके जो अनबैलेंस थॉट्स है या इनबैलेंस थॉट्स है वो होते हैं क्लैरिटी की तरफ. सो देन यू विल स्टार्ट टू गेट कि मुझे ये सब्जेक्ट करने के लिए या फिर ये आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, या मेरे लिए कौन से टीचर्स अच्छे होंगे, या किस तरह का टाइम टेबल मेरे लिए अच्छा होगा. बिकॉज मैं कभी टेंथ में था या ट्वेल्थ के स्टडीज कर रहा था, मैं बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाता था कि कल से ये स्टार्ट करूंगा, कल सुबह उठ के करूंगा, मगर कभी मैंने कभी भी मेरे से हुआ ही नहीं वो. क्योंकि क्यों, बिकॉज मेरे में क्लैरिटी नहीं थी. हम बहुत सारी चीजें करने को कोशिश करते हैं मगर हम कर नहीं पाते. हुआ आपसे ये, और बहुत सारा फोर्स लगाते हैं हम लाइफ में, फोर्स बहुत सारा माइंड या बहुत सारा एनालिसिस लगाते हैं. ये शायद से अभी आपको समझने के लिए समझेगा नहीं, मगर व्हाट आई एम सेइंग इट विल श्योरली गेट पेनिट्रेटेड. और शायद से आपको 11th 12th फर्दर लाइफ के लिए आपको ये इस्तेमाल हो सकता है. तो हमें क्यों ये सब क्लैरिटी लानी है, बिकॉज वंस यू गेट क्लैरिटी इन लाइफ देन योर लाइफ स्टार्ट्स टू बी इन अ बैलेंस. और उसके परे क्या होता है, आपके लाइफ में कभी क्लैरिटी आती है तभी आपके जीवन में प्यार आ सकता है. प्यार मतलब कैसे, इट्स लव विद द वन सेल्फ. तो तब तक हम प्यार हासिल नहीं कर पाते, तब तक हम जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में वो हम उसमें सक्सेस नहीं ला पाते हैं. कैन यू कनेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप पढ़े कर पाओगे, आप एक्सीलेंट पढ़े कर पाओगे, नहीं कर पाते. सो दैट्स अ चैलेंज. और राइट नाउ द वे वी हैव बीन गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द लव और अबाउट द रिलेशनशिप्स, अबाउट द स्टडीज और इवन द मेडिटेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इट्स नॉट द करेक्ट वे. Correct. So today we'll experience a kind of an authentic meditation, a kind of a sound meditation. For an example, अगर आपने happy sound या happy song सुना, तो does your emotions and mood change suddenly? Suddenly आपने मेरे आपके favorite गाने लगाए, तो will your mood get changed? Yes. Correct. So all the songs, all the sounds, all the frequencies are again connected with your hormones. तो फॉर एन एग्जाम्पल अभी मेरे मेरी सिस्टर है, शी इज राइट नाउ इन 11th, बट शी यूज्ड टू टेक वेरी बैड मार्क्स इन 8, 9 and 10. बट व्हाट हैपेंड, आई वाज इनटू दिस, सो मेरे टीचर ने उनको एक सीडी दी, मतलब एक साउंड ट्रैक दिया व्हिच वी आर गोइंग टू आल्सो एक्सपीरियंस टुडे. और वो साउंड ट्रैक सुनने से ही उसके मार्क्स बढ़ गए. Is it magical? So my teacher there, he used to get only 60% in his 9th, in his 8th standard. But he started listening to the soundtracks, a specific frequency, which enabled him to get into the top 10 in his 10th. And right now he is from IIM Bombay. So ab dekho 60% ke jo unko marks mil rahe the, but just because of the sound, he is now. You know, he graduated from the IIM. So the ASM miraculous changes हो सकते हैं साउंड के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से.
करंट और आप भी देख पा रहे हो और आप भी देखो आपके जो भी एस्पायरेशन है या आपके जो फेवरेट म्यूजिशियंस है मूवी स्टार्स होंगे सी द वे दे बिहेव एंड सी द वे हु इज बिहेविंग इन अ वेरी डिस्टर्ब्ड वे. उनकी लाइफ में सक्सेस आई है शायद से सक्सेस आती है दो पल के लिए एंड इन दैट मोमेंट द सक्सेस इज गॉन. हैव यू सीन सच स्टार्स एज वेल राइट. एक मूवी की याद है बाकी कुछ नहीं है उनके लाइफ में बिकॉज वो काम नहीं है वो खुद से जुड़ते नहीं है खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो हमें कहाँ पे बढ़ना है खुद के कनेक्शन के साथ. बाकी तो आते रहने वाला है द मार्क्स द पीपल द टीचर्स द सोसाइटी इट इज एवर गोइंग टू चेंज बट इसमें ही आप कहाँ पे सक्सेस या ग्रोथ आपकी हो सकती है खुद के कनेक्शन के साथ. और खुद के कनेक्शन के लिए नेसेसरी होता है रिलैक्सेशन अ काइंड ऑफ अ कामनेस कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट समझते हो सर. कंटेंट मीन्स व्हाट. सेटिस्फैक्शन. अगर आप ही देखो आपने बहुत सारे मार्क्स लाए भी और अगर आप कंटेंट नहीं हो तो वीडियो भी आप करेक्ट. सो कंटेंटमेंट सो द साउंड्स हेल्प यू सर्टन साउंड्स. कैसे लगेंगे साउंड्स पहली बार सुने आपने शायद से. हाउ आर दे इन टर्म्स विद द कंपैरिजन विद द नॉर्मल साउंड्स. Did someone dream? Did someone go in some other place? Did someone smell something or did someone visualize something? Share that with your experience. Body of body is active, lag raha, sensations lag rahe hain, vibrations hum bolte hain. Koi log visualize kiye ki bahut wo forest mein hai ya kuch dreams mein hai. Koi kar paaya aise? Acha. Kin kin ko colors dikhe? Colors dikhe alag alag. Colors to dekh paaya? अच्छा ये मैन सॉ द कलर्स. कैन सम डिड समवन स्मेल समथिंग डिफरेंट. अच्छा ओके. बॉडी में बहुत कहां पे सबसे ज्यादा सेंसेशंस हो रहे हैं कहां पे एक्टिव हो रहा है सेंसेशन कहां पे. अच्छा फोरहेड करेक्ट. और कुछ अलग एक्सपीरियंस यहां पे है किसी को शेयर करना है प्लीज शेयर बिकॉज इसमें समझेगा कि कैसे कौन है से कनेक्टेड है. कुछ अलग ही साउंड आपको सुनाई दिए तो ऐसे सब होता है. When you go in a deeper meditation, ऐसे सब होता है. अलग अलग साउंड देखते हैं अलग अलग पिक्चर्स देखते हैं विजुलाइज करते हैं आप एंड दैट इज दी. और अगर आप जितना आप खुद को रिलैक्स कर पाओगे ये माइंड को शांत कर पाओगे आपके लाइफ में उतना ही सक्सेस आएगा या लिख लेना. मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ सीक्रेट व्हिच डजंट गेट शेयर्ड एज मच बिकॉज हमें लगता है कि जो जिसके पास सोशल मीडिया के ज़्यादा फॉलोअर्स है तो उनको शायद से हम फॉलो करेंगे या यूट्यूब चैनल करेंगे या ये वो करेंगे वो करेंगे. वो मेरे शॉर्ट टर्म के लिए होगा डिजर्वर शॉर्ट टर्म थिंग्स. आप ही बोलो आपको किस में मजा आएगा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है क्लैरिटी और कंटेंटमेंट. तो अभी इवन आई एम काइंड ऑफ अ यंग आई एम सो कि बट यू आर स्टिल यंग एंड यू हैव अ चांस बिकॉज ये सबके लाइफ में नहीं आता. सो ये सबके लाइफ में जिनके लोगों के लाइफ में आता है वो इट्स अ साइन कि शायद आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर पाओगे आपके इधर या फिर हायर स्टडीज के लिए या अलग लाइफ के लिए बिकॉज ये सबके लिए नहीं होता है. शांति जो हम देखते हैं साइलेंस. सो इफ यू इवन इफ यू हैव स्टिल टाइम तो विल डेफिनेटली शेयर साउंड ट्रैक विद मैडम एंड शी विल डेफिनेटली शेयर इन द ग्रुप्स और यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट टू लिसन इट एवरी डे और एल्स व्हाइल स्टडी. सो पीपल हैव गॉटन अमेजिंग रिजल्ट्स by just listening to the soundtrack. So, सिर्फ soundtrack से लोगों के career change हो रहे हैं लोगों में relationships अच्छी हो रही है. So, why not use the benefits? Correct? So, I'll share that. And studies के लिए tips तो आपके teachers ही हैं मगर मैं मेरी टीम एक बार तो मैंने क्या किया था
चलेगा ना, दौड़ेगा। सो मेरे टेंथ के लिए है, जो मेरे मेरे कंफर्टेबल जो चैप्टर्स थे, पर वन चैप्टर्स दैट आई वाज कंफर्टेबल मेबी एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैड कंप्लीटेड देम वन मंथ बिफोर, जो मैं कंफर्टेबल बहुत अच्छे, ये मेरे लिए था, शायद से कोई ये ट्राई कर सकता है, जो कंफर्टेबल मेरे लिए जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी है या मैथ्स के कुछ चैप्टर्स जो मुझे बहुत पसंद है, आई हैड लाइक 10 times या 20 times मैंने उसकी रिविजन कम्प्लीट की थी। और मेरे क्वेश्चन मैंने आई रिमेम्बर आई सॉ ओनली 2-3 times तो क्वेश्चन पेपर मीन्स बिफोर गिविंग द एग्जाम। So that is also one thing necessary, and also जो आपके strong suits है, strong subjects है, उसको कैसे भी करके complete करते हैं, because then it will at least give you the upper point. और जो weak subjects है, definitely वो आप जितना ज़्यादा teacher के साथ आप surrender कर पाओगे, surrender मतलब कि weakling नहीं होता है, surrender मतलब कैसे? शरणागत और faith और patience. तो अगर ये थिंग्स आप नेक्स्ट 3 months में और साइलेंस, अगर साइलेंस या मेडिटेशन अगर आप कर पाओगे तो योर मार्क्स विल चेंज, योर लाइफ विल चेंज। सो दैट्स द थिंग, एंड स्लोली स्लोली द क्लैरिटी विल कम। और गोल सेटिंग आप मत रखना, ये मतलब हम एडवाइस कर रहे लोगों को, गोल सेटिंग मत रखना उनके लिए, लेट द गोल कम टू यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था, मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं डीजे बनूंगा, मैं फेस्टिवल्स में जाके परफॉर्म करूंगा, एल्बम्स निकालूंगा। अगर वो होता तो ये मुझे नहीं मिलता, करेक्ट। अभी हम नई लाइफ को बहुत बड़ी पिक्चर से नहीं देखते हैं, तो गोल यू कैन कीप अ गोल फॉर एन एग्जाम्पल कि इतने मार्क्स होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट ऐसे की डिजायर्स नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे में वो डिजायर था कि मुझे डिग्री करके दिखाना है, लोगों को प्रूव करना है, ये शायद से अभी आपको समझना नहीं, मगर यस इट विल गेट रजिस्टर्ड इन द ब्रेन, करेक्ट। सो जहाँ पर डिजायर की टेंशन नहीं भागना है, वहां पर भागना है हैप्पीनेस की तरफ, हैप्पीनेस को पकड़ना है, कंटेंटमेंट को। सो जैसे आप जैसे और इसमें 3 days में कैसे था उस गाड़ी किया, वहां पर भागना नहीं, नहीं वो वाले नहीं, वो वाले ना से अलग पकड़ा। आप सक्सेस के पीछे भागना तो पैसा आपके पीछे पीछा ऑटोमेटिक किया है, ऐसे ही ना रहता है सोचने पर। सो दैट्स द थिंग, वो ना सक्सेस तुम्हारे पीछे है, मगर वो भी नहीं कर रहा, हमें जाना है हैप्पीनेस की तरफ। एंड द मोमेंट यू बिकम हैप्पी एंड कंटेंट, एवरीथिंग एल्स विल कम। सो दैट्स व्हाट इज द काइंड ऑफ मैसेज दैट वी वांट टू शेयर, कीप हैप्पी एंड कंटेंट, एवरीथिंग एल्स विल कम। जहाँ पे आपके पेरेंट्स और टीचर्स से डेफिनेटली वो शेयर कि अगर उनकी लाइफ में अगर ये से टेंथ में उनको मिलता कि अगर अरे मुझे परसेंटेज की तरफ जा रहा है, उनकी लाइफ अलग होती, करेक्ट ना ब्रदर? तो ऐसे ही है। तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सो यू यूटिलाइज इट। सो आई विल शेयर दिस आउट दैट आई विल शेयर सम ऑफ द वीडियोस एज़ वेल व्हिच माइट हेल्प यू इन योर स्टडीज, एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हैप्पी स्टडीज। स्मार्ट स्टडी ना, हार्ड वर्क, हार्ड स्टडी मत करना, स्मार्ट स्टडी करना, दैट्स द प्रैक्टिकलिटी, स्मार्ट स्टडी। नहीं तो हार्ड वर्क में करते जाओगे तो स्ट्रगल होगा, स्मार्ट करोगे तो यू नो इट विल बी मच मोर बेटर। सो स्मार्ट स्टडी।